हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें अभी ऑफलाइन क्लासेस के लिए मना किया गया है और ऑनलाइन क्लास ही हम अपने अपने घरों से बनाकर वीडियो और यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, वहाँ पे आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इकाई दो का अध्ययन कर रहे थे। इकाई दो कल हमने कॉलेज में इकाई दो में फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ा था, व्यक्तिगत विभिन्नता है। इकाई दो में जो टॉपिक है वो कौन सा है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। और व्यक्तिगत विभिन्नता में अपन ने अर्थभाव पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक समान नहीं है, चाहे वो विचारों में देख लो, चाहे हम संवेगात्मक में देख लो, शारीरिक रूप से देख लो, मानसिक रूप से देख लो, बुद्धि के स्तर से देख लो, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल एक समान नहीं है। कोई आकार के रूप में अलग अलग है, कोई रंग रूप से भी अलग अलग है, कोई शरीर के रूप से अलग अलग है, कोई मोटा है कोई पतला है, किसी का दिमाग तेज गति से काम करता है, किसी का दिमाग धीरे गति से काम करता है, किसी की सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो तेज होती है और किसी की जो बहुत कम समझ पाता है। ऐसे हम हमारे समाज में भी देखते हैं कि बहुत से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। हम मैंने कल और इस पर सर्वप्रथम किसने काम किया था? सर्वप्रथम गोल्टन ने, ये कल मैंने बताया था। गोल्टन ने काम किया था 1879 में किया था। कल पीटरसन के, जिन्होंने पीटरसन ने परिभाषा दी और जेम्स ट्रेवर ने परिभाषा दी, इन दोनों परिभाषाओं के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं में व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा किस तरह से होती है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस परिभाषाओं से बता सकते हैं। तो आज हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, इसी में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, यानी जो आज समाज में हम इस पृथ्वी पर अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग प्रकारों में हम देखते हैं, उन प्रकारों को हम किस कैटेगरी में या किस क्राइटेरिया में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला है शारीरिक भिन्नता के स्तर के आधार पर, स्तर आधारित। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति शरीर में या शारीरिक रूप से अलग अलग रूप में पाया जाता है। कोई मतलब शरीर रचना की दृष्टि से या बाह्य रूप से अलग अलग अपने शरीर की दृष्टि से पाया जाता है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई दुबला होता है, कोई बोना होता है। हर प्रकार के मतलब है कि भिन्नताएं पाई जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? शारीरिक भिन्नता है। आपने देखा होगा कि आपके ही दोस्तों में कोई मोटे शरीर का होता है, कोई पतले शरीर का होता है, कोई बोना शरीर का होता है, कोई लंबे शरीर का होता है। तो ये इन सभी भिन्नता को हम शारीरिक रूप से कहते हैं। और शरीर के माध्यम से देखें तो पुरुष और स्त्री में भी भिन्नता पाई जाती है। आप देख दूसरा देखते हैं बुद्धि के स्तर पर,
बुद्धि के स्तर पर भिन्नता। बुद्धि के स्तर पर भिन्नता। हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग तरह से काम करती है। किसी की बुद्धि अलग होती है जो तेज गति से काम करता है और हर सवालों को, हर समस्याओं को जल्दी हल करने की कोशिश करता है। और हर आपने देखा होगा एक लड़का एक लड़की के बीच में भी बुद्धि में भी अंतर पाया जाता है। लड़का लड़की से मतलब थोड़ा तेज गति से और सोचने समझने में थोड़ा प्रखर बुद्धि से काम करता है। और कई अपने एक ही क्लास में देखा होगा कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंद बुद्धि के बालक होते हैं, जड़ बुद्धि के बालक होते हैं। और प्रतिभाशाली बालक के जिसे जो उनकी बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से ऊपर होती है। औसत बालक होते हैं जिनकी 60 और 70 के बीच में औसत बुद्धि लब्धि होती है। तो ऐसे हर मतलब कि बुद्धि के आधार पर भी हर व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती है। कोई प्रतिभाशाली बालक होता है तो आपको वहीं जड़ बुद्धि का बालक भी मिलेगा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, और ऐसा बालक भी मिलेगा जो कुछ समझ भी लेता है और कुछ नहीं भी समझ लेता है। तो ऐसे कई समाज में अपने भिन्नताएं पाई जाती है, वो बुद्धि के आधार पर होता है। बुद्धि के आधार पर वो भिन्नता होती है। तीसरा है संवेगात्मक भिन्नता। तीसरा कौन सा है? संवेगात्मक, जिसको हम इमोशनल बोलते हैं, संवेगात्मक भिन्नता। हर व्यक्ति के पास में इमोशन होते हैं। मैकडूगल नाम सुना होगा, विलियम वे मैकडूगल, जिसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ में ही संवेग थे, यानी जितने 14, ये मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी था कि 14 मूल प्रवृत्ति है और 14 ही मूल प्रवृत्ति के साथ में 14 संवेग जुड़े हुए हैं। जैसे क्रोध का युद्ध सा भय से दूर भागना, ठीक है ना, वात्सल्य प्रेम दिखाना, और भी बहुत सारे मैंने बताए थे। तो हर व्यक्ति में इमोशन एक समान नहीं पाए जाते हैं। एक व्यक्ति में जितना इमोशन है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति में भी समान रूप से पाए जाते हैं। हर व्यक्ति में इमोशन अलग अलग होते हैं। किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को गुस्सा नहीं आता है, कोई शांत स्वभाव का होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ी सी मजाक कर लेते हैं तो हर व्यक्ति को फट से गुस्सा आ जाता है, और कई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि बड़ी से बड़ी मजाक को भी हंसकर टाल देता है। तो ये एक व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसको इमोशनल हम या संवेगात्मक भिन्नता कहते हैं। मतलब है कि सबके अंदर संवेग अलग अलग पाया जाता है। आपने इस समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति को भी देखा होगा कि छोटी छोटी बात के लिए भी झगड़ा कर लेता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर चीज को इजी वे में जीता है, हर चीज को हंसी मजाक में वो लेकर चलता है। तो हर व्यक्ति के संवेग अलग अलग होते हैं। कुछ डरपोक भी होते हैं, हर चीज छोटी छोटी बात से भी डर जाते हैं, कुछ अंधेरे में देख लेते तो भी डर जाते हैं, और कुछ ऐसे शेर दिल जैसे होते हैं, बहादुर होते हैं, जो उसके सामने अगर शेर भी आ जाता तो वो भी नहीं डरता है। तो ऐसे इस समाज में ऐसे व्यक्तियों को संवेगात्मक भिन्नता कहते हैं, यानी इमोशनल भिन्नताएं कहते हैं, जो हर व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती है। और संवेग भी एक परिस्थिति के अनुसार वो व्यवहार में देखने को मिलती है। हर समय व्यक्ति अपना संवेग नहीं बताता है, वो परिस्थिति के अनुसार संवेग देखने को मिलते हैं। अगर उसके सामने जो समस्या होगी, जो उसके सामने परिस्थिति होगी, उस समय ही वो अपना संवेग अपना इमोशनल बताएगा। अगर मान लो अगर उसके चारों तरफ दुख का माहौल है तो वो दुख जाहिर करेगा। इसका मतलब वो उस समय उसको एहसास होता है कि मुझे दुख जाहिर करना है। अगर चारों तरफ उसके खुशी का माहौल है तो वो अपनी खुशी जाहिर करेगा। उसको पता है कि आसपास का जो माहौल है वो खुशी का है। तो परिस्थिति के अनुसार जो एक इमोशन बताता है, अपना व्यवहार बताता है, वो एक संवेगात्मक दृष्टि से विकसित व्यक्ति होता है। अब आगे हम चौथा लेते हैं। चौथा है विचारों में भिन्नता। विचारों में भिन्नता। हर व्यक्ति की जो सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है। कुछ लोगों की जो विचारधाराएं होती है वो उच्च होती है, कुछ लोगों की विचारधारा नीचे, मतलब है कि नीचे स्तर से तो होती है। उनका जो बुद्धि मतलब क्या है, सोचने समझने का स्तर वो ऊंचा नहीं होता है। कुछ फट से किसी समस्या का हल निकाल देते हैं, और किसी किसी को आसान समस्या का भी हल निकालने में दिक्कत आती है।
क्योंकि उनकी विचारधारा उस चीज को, उस समस्या को हल नहीं कर पाती। व्यक्ति कोई भी क्रिया करने से पहले उसके बारे में विचार जरूर करता है, और हर व्यक्ति की विचार करने की शक्ति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के पास में एक समस्या आती है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके पास समस्या नहीं आती हो, लेकिन उस समस्या का हल करने से पहले वो अपने माइंड में विचार करेगा। वो विचार हर व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के मतलब दिमाग में एक समान नहीं आता। कुछ व्यक्ति उस ऑन स्पॉट पर ही उस समस्या का हल निकाल देते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कई दिनों तक उस समस्या को लेके बैठते हैं लेकिन उसका समस्या का हल नहीं निकल पाता। तो ये एक विचारधारा और विचारों में भिन्नता भी पाई जाती है। हर व्यक्ति की जो सोचने की समझने की जो शक्ति होती है वो एक समान नहीं होती है। अब इसके बाद में व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व का एक जो टॉपिक आएगा अपने, वो मैं बाद में बताऊंगा। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है उसका बोलना, खाना पीना, ओढ़ना, हर बात को समझना और उस बात को मतलब कि क्या उत्तर देना, एक वो उसके अंदर एक समझ होती है, एक नॉलेज होता है, और उसी को हम व्यक्तित्व में गिनते हैं। अगर वो कपड़े पहन रहा है तो कपड़े किस तरह से पहन रहा है, बाल बना रहा था किस तरह से बाल बना रहा है, वो किसी प्रश्न को उत्तर दे रहा था किस तरह से उत्तर दे रहा है, तो वो सब ये सभी चीजें एक व्यक्तित्व में आती है। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं, हर व्यक्ति को परेशान करने वाले होते हैं, उनको उस चीज में मजा आता है। तो उस उन व्यक्तियों का क्या समाज में एक अलग दृष्टि से देखा जाता है कि यार ये तो बदमाश ही है, अरे ये तो साला शुरू से ही ऐसा है, ऐसा इसका परिवार भी ऐसा है, यू ऐसा है, अपन ऐसा एक शब्द बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो होशियार होते हैं, हम उसकी बार बार तारीफ करते हैं, तो उनके व्यवहार से हर व्यक्ति का एक अलग अलग व्यवहार व्यक्तित्व बनता है। आज आप लोगों की भी हर अपने परिवार में, अपने समाज में एक अपनी आपकी एक अलग से एक पहचान बनी होगी कि आप किसके बेटे हो, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, अरे और पढ़ाई करो और अच्छे तरीके करो, इस तरह की बातें आपके सामने आती होगी। तो ये एक व्यक्तित्व को दर्शाता है, और ये व्यक्तित्व हर व्यक्ति के अंदर एक समान नहीं होता है। हर व्यक्ति का, आज हम कॉलेज में इतने जरे टीचर पढ़ाते हैं, जेंट्स टीचर पढ़ाते हैं, लेडीज टीचर पढ़ाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि लेडीज में ही भिन्नता ही पाई जाती है, उनके व्यक्तित्व में भिन्नता पाई जाती है, और जेंट्स टीचर में भी भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, तो इनको हम किस कैटेगरी में आते हैं, व्यक्तित्व में भिन्नता, यानी व्यक्तित्व में गिना जाएगा। उसके बाद में विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता। विशिष्ट, अब कुछ व्यक्ति के पास में विशिष्ट योग्यता होती है, और विशिष्ट योग्यता किसके, व्यक्ति में कुछ विशिष्ट योग्यता जन्मजात होती है तथा कुछ वह वातावरण से भी करता। कुछ तो व्यक्ति जो जन्मजात से ही लेके पैदा होता है, जन्मजात से तो हर कोई व्यक्ति लेके पैदा होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो जन्म से शक्तियों को लेके पैदा नहीं हो। हाँ, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी शक्तियों को सही उपयोग करते हैं, और कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना ही नहीं जानते। और ये जब शक्तियां अपने इस समाज, इस वातावरण के अंदर आती है, और उस वातावरण से हम अर्जित करते हैं, उस अर्जित ज्ञान से ही हम शक्तियों का विकास करते हैं, हम विकसित करते हैं। ठीक है, तो कुछ हर व्यक्ति के अंदर ये विशिष्ट योग्यता नहीं होती। कुछ व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ही निकाल देता है, और कुछ व्यक्ति अपने जीवन को एक अमूल्य मानकर, एक अपनी नई पहचान देकर आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब इसके बाद में ज्ञानात्मक व गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता, ज्ञानात्मक एवं गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता, योग्यताओं में भिन्नता। ये मैंने ज्ञानात्मक बताया था, ज्ञानात्मक के भाई ज्ञान के द्वारा
ज्ञान के द्वारा अपने विकास करना, और गत्यात्मक यानी क्रियाओं के द्वारा। जो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने ज्ञान से अपने आप को विकसित करने की कोशिश करते हैं, और कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने करके करके दिखाना, यानी काम करके, क्रिया करके, संघर्ष करके अपने आप को विकसित करना। तो इसमें भी योग्यताओं में भिन्नताओं, मतलब हर व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं होती है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वो अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान न प्राप्त करके भी अपने क्रियाशील, संघर्षशील होकर अपने समाज में अपनी एक नई पहचान बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे भी योग्यताओं में भिन्नता पाई जाती है। आठवां है रुचियों में भिन्नता। रुचियों में भिन्नता, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग रुचि होती है। कोई भी व्यक्ति एक समान रुचि, जैसे आज मेरे को गणित पढ़ने में रुचि है तो जरूर नहीं है कि मेरे दोस्त को भी गणित पढ़ने में रुचि होगी, या मेरे परिवार में भी किसी को गणित पढ़ने की रुचि होगी। नहीं, सभी की रुचियों में भी अंतर होता है। हर व्यक्ति को डांस करना पसंद करता है, कोई संगीत गाना पसंद करता है, कोई किताब पढ़ना पसंद करता है, कोई टीवी देखना पसंद करता है, कोई घूमना पसंद करता है। हर व्यक्तियों की रुचियों में भी अंतर पाया जाता है। और रुचि आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति पूरे दिन में जो कार्य करता है उसमें एक जो वो कार्य करता है उस कार्यों में एक विशेष जो कार्य होता है उस कार्य में ज्यादा ध्यान देता है और वही उसके लिए रुचि होती है। कार्य तो भले जैसे 15 काम कर रहा है वो घर में या बाहर जाके 15 काम कर रहा है, लेकिन उस 15 काम में कोई ऐसा काम होगा जिसमें उसको ज्यादा रुचि होती है, उसी को हम रुचि कहते हैं। रुचि एक आदत में बदल जाती है। तो हर व्यक्ति की क्या रुचियां अलग अलग होती है। उसके बाद में स्वभाव संबंधी विवाद, लास्टवा है स्वभाव संबंधी, स्वभाव संबंधी भिन्नता। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ अच्छे स्वभाव का होता है, कोई सरल स्वभाव का होता है, कोई क्रूर स्वभाव का होता है, कोई आक्रामक स्वभाव का होता है, कोई चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, कोई मंदबुद्धि, सॉरी उदास, जो ऐसे कहते हैं ना, जो अंतर्मुखी स्वभाव का होता है, कई बाह्यमुखी स्वभाव का होता है। तो इस समाज में कई स्वभाव वाले व्यक्ति मिलते हैं और उन स्वभाव के सबके अंदर भिन्नताएं पाई जाती है। तो आज हम इतने करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकारों के बारे में इन पॉइंटों के माध्यम से समझ में आया होगा, और जो हमारे पास में जो सुविधा है उस सुविधा से हम पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो, या कॉल के द्वारा या मोबाइल के द्वारा मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। धन्यवाद।